मैं विनय कुमार आपका मीनस्मा एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक केंद्रीय योजना के बारे में देखेंगे जिसका नाम है आपका प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो हाल ही में केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय ने छोटे दुकानदारों और फेरी वालों को आर्थिक रूप से सहयोग प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि या पीएम स्वनिधि नामक योजना का शुभारंभ किया है। योजना के लाभार्थी कौन कौन होंगे? तो इस योजना का लाभ रेहड़ी पटरी वालों और छोटी मोटी दुकान लगाकर आजीविका चलाने वालों को प्राप्त होगा। फल, सब्जी, लॉन्ड्री, सैलून और पान की दुकानें भी इस श्रेणी में शामिल किया गया है। इस योजना के अंतर्गत सरकार इन लोगों को अपना कारोबार शुरू करने के लिए यथासंभव सहायता प्रदान करेगी। इसमें रेहड़ी पटरी वाले बिना किसी देरी के साथ अपना काम धंधा फिर से प्रारंभ कर सकेंगे। देख लेते हैं कि इस योजना के अंतर्गत क्या क्या मुख्य प्रावधान किया गया है। तो यह योजना मार्च 2022 तक ही वैध है, इसके पश्चात यह बंद हो जाएगा। इस योजना के लिए सरकार द्वारा 5,000 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई है। कोरोना वायरस की वजह से लड़खड़ाई देश की अर्थव्यवस्था से सबसे अधिक प्रभावित फेरी वालों, रेहड़ी पटरी पर काम करने वालों, जिसे हम लोग स्ट्रिक्ट वेंडर्स के नाम से भी जानते हैं, को इस योजना के तहत अर्थात पीएम स्वनिधि योजना के तहत 10,000 रुपये का कर्ज दिया जाएगा। जो कर्ज दिया गया है उसकी वापसी करने के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए? तो इस राशि को रेहड़ी पटरी वाले 1 वर्ष के भीतर किस्त में लौटा सकते हैं। यह ऋण बहुत ही आसान शर्तों के साथ दिया जाएगा। इसमें किसी जमानत या कोलेट्रॉल की आवश्यकता नहीं होगी। इस ऋण को समय पर चुकाने वाले छोटे दुकानदारों, फेरी वालों को 60% का वार्षिक ब्याज सब्सिडी के तौर पर उनके खाते में सरकार की ओर से स्थानांतरण किया जाएगा। इस योजना के तहत जुर्माने का कोई भी प्रावधान नहीं है। यही था हमारा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के बारे में। आपके सामने एक सवाल है, सवाल यह है कि निम्न में से क्या सही नहीं है। पहला है, इस योजना की कोई वैध सीमा वर्ष निर्धारित है? इस योजना के तहत जुर्माने का प्रावधान नहीं है। इस योजना के तहत कर्ज लेने की पैसा निर्धारित है। बिना किसी शर्त के साथ इस योजना के अंतर्गत सब्सिडी का भी प्रावधान है। तो दोस्तों, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।